हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। तो देखिए, फॉरेस्ट गार्ड के एस्पिरेंट्स के लिए एक वेल न्यूज़ है। देखिए, फॉरेस्ट गार्ड का जो फिजिकल था उसमें संशोधन किया गया है। शारीरिक परीक्षा में बहुत बड़ा बदलाव है जिससे काफ़ी राहत मिलने वाली है सभी कैंडिडेट्स को। मतलब शारीरिक परीक्षा और अधिक सरल कर दी गई है, तो बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है यहाँ पे डिपार्टमेंट के द्वारा। दूसरा, देखिए यहाँ पे स्टार्टअप आइडिया से संबंधित मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, अगर आपके पास कोई भी स्टार्टअप आइडिया है तो बूट कैंप आयोजित किए जा रहे हैं उत्तराखंड राज्य के विभिन्न स्थलों पर। आप वहाँ पर जाके अपना आइडिया शेयर कर सकते हैं और जिसका आइडिया अच्छा होगा उसको यहाँ पे पुरस्कृत भी किया जाएगा। और अगर आपको स्टार्टअप करना चाहते हैं तो फंडिंग वगैरह के लिए भी आपको सोर्स अवेलेबल हो सकते हैं, तो आप ज़रूर ये वीडियो देखिए, बने रहिए कुछ समय मेरे साथ। तो देखिए, सबसे पहले तो ये फॉरेस्ट गार्ड वाला देख लेते हैं। वन आरक्षी के लिए लगानी होगी 25 किमी की दौड़। तो देखिए, वन विभाग ने शारीरिक परीक्षा में लंबी कूद और ऊंची कूद को खत्म कर दिया है। साथ ही जो 25 किलोमीटर दौड़ में 10 किलो का बैग लगाना था ना पीठ में, उसको भी यहाँ पे कैंसिल कर दिया गया है। ठीक है, तो अब केवल जैसे पहले इसका पहले रिटर्न एग्जाम होना है, आयोग पहले ही बता चुका है यहाँ पे। ठीक है, कि अब जो फॉरेस्ट गार्ड भर्ती है इसमें आपका पहले लिखित परीक्षा होगी। लिखित परीक्षा के बाद आपका लगभग 2.5 गुना कैंडिडेट्स को सेलेक्ट किया जाएगा फिजिकल एग्जाम के लिए, फिर फाइनल मेरिट आएगी। सेलेक्शन कम्प्लीटली रिटर्न बेस पे रहेगा, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे साफ बोला गया, देखिए लंबी कूद ऊंची कूद सहित 10 किलोग्राम का भार उठाकर नहीं दौड़ना पड़ेगा, अब केवल 25 किलोमीटर दौड़ पास करनी पड़ेगी। 1218 पोस्ट थे इसमें, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे लास्ट में बोला गया, देखिए अब लिखित परीक्षा पहले होगी। वन विभाग के मुताबिक इसमें करीब 2500 अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। ठीक है, तो मुख्य वन संरक्षक मानव संसाधन विकास एवं कार्मिक प्रबंधन मनोज चंद्रन जी ने इसकी पुष्टि कर दी है कि अब केवल 25 किलोमीटर की दौड़ होगी, इसके अलावा फिजिकल एग्जाम में कुछ भी अन्य एक्टिविटीज नहीं होंगी। ठीक है, तो अब देखिए मेहनत कीजिए। जो लोग डर रहे थे लॉन्ग जंप से, हाई जंप से एंड ये वेट वाली दौड़ से, तो अब बिल्कुल सिंपल हो गई है। 4 घंटे में आप 25 किलोमीटर चल ही लेंगे, कैसे ना कैसे हो जाएगा, क्योंकि जॉब पाने के लिए आदमी कुछ भी कर सकता है। ठीक है, अगर आपका रिटर्न एग्जाम क्लियर हो रहा है तो अच्छे से मेहनत करें। इसके साथ साथ देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, देखिए अगर आप स्टार्टअप करना चाहते हैं या स्टार्टअप संबंधी आपके पास कोई भी आइडिया है, तो देखिए उत्तराखंड स्टार्टअप बूट कैंप चल रहा है 2019। आप इसको डायरेक्ट ऑनलाइन भी पंजीकरण अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं startuputtarakhand.com पे। और 16 स्थानों पे बूट कैंप आयोजित किए जा रहे हैं, एक दो जगह पे तो खत्म भी हो गए हैं। जैसे अल्मोड़ा की मैं बात करूँ तो सोबनसिया जीना कैंपस, यहाँ पे खत्म हो चुका है बूट कैंप। बागेश्वर में कल और परसों है 6 और 7 को, ये पीजी कॉलेज बागेश्वर में होगा। इसके बाद देखिए नैनीताल में 7-8 सितंबर को ग्राफिकेरा विश्वविद्यालय भीमताल कैंपस में होगा। और 9 से 10 पिथौरागढ़ में है सीमांत SIT पिथौरागढ़। अगला है देखिए चंपावत, यहाँ पे APJ अब्दुल कलाम जो टेक्निकल इंस्टीट्यूट है वहाँ पे है। और इसके बाद देहरादून में 12-13 सितंबर तुला इंस्टीट्यूट में। रुड़की में कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग IIT रुड़की में है। चमोली में प्रौद्योगिकी संस्थान गोपेश्वर में है। और उत्तरकाशी में है PG कॉलेज उत्तरकाशी। देहरादून में DIT विश्वविद्यालय देहरादून। टिहरी में कॉलेज ऑफ फॉरेस्ट्री रानी चौरी कैंपस। एंड पौड़ी में होगा GB पंत इंजीनियरिंग एंड प्रौद्योगिकी संस्थान गुड़दौड़ी में है जो। रुद्रप्रयाग में है राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय मतलब PG कॉलेज में। और उधमसिंह नगर में GB पंत कृषि विश्वविद्यालय। हरिद्वार में क्वांटम विश्वविद्यालय एंड काशीपुर में IIM में, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में ये आपके बूट कैंप आयोजित किए जाने। यहाँ पे देखिए तो क्या बोला जा रहा है, राज्य में स्टार्टअप इकोसिस्टम विकसित किए जाने तथा राज्य में नवाचारी विचारों को प्रोत्साहन दिए जाने के उद्देश्य से राज्य में 16 स्थानों पर स्टार्टअप बूट कैंप आयोजित किए जा रहे हैं। प्रत्येक बूट कैंप से श्रेष्ठ विचारों को चयनित कर आइडिया ग्रांड चैलेंज के माध्यम से सर्वश्रेष्ठ विचारों को पुरस्कृत किया जाएगा। स्टार्टअप बूट कैंप में प्रतिभाग हेतु www.startuputtarakhand.com पर पंजीकरण किया जा सकता है या निकटतम जिला उद्योग केंद्र से संपर्क कर सकते हैं। तो या तो आप ऑनलाइन जाके यहाँ पे देख सकते हैं, और या तो आप अपने जिले में जो जिला उद्योग केंद्र होते हैं वहाँ पे जाके पता कर सकते हैं। ठीक है, अगर देखिए आपके पास कोई भी आइडिया दोस्तों जिससे उत्तराखंड में रोजगार के अवसर पैदा हो सकते हैं या पलायन रुक सकता है, तो इस बूट कैंप में प्रतिभाग जरूर कीजिएगा अपने प्रपोजल अपने आइडिया के साथ। साथ ही देखिए कोई अगर नया रोजगार करना चाहता है, स्टार्टअप लेना चाहता है, तो वो लोग भी यहाँ पे जरूर जाएं कि आपको फंडिंग वगैरह कैसे प्रोवाइड होती है नए रोजगार के लिए, क्या उसमें स्किल्स चाहिए, मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा नॉलेज आपको मिल सकता है। तो नया उद्योग करने वाले लोग जाएं, या किसी के पास पहाड़ के लिए बेस्ट आइडिया है स्वरोजगार के लिए, नए स्टार्टअप के लिए, तो वो तो जरूर इसमें पार्टिसिपेट करें। ठीक है, तो ये थे 2 महत्वपूर्ण अपडेट जो मैंने आपको बताया। इसके साथ साथ देखिए आंगनवाड़ी भर्ती, आंगनवाड़ी सहायिका की भर्ती जल्दी ही आपको देखने को मिलेगी। सहायिका, मिनी सहायिका, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, 3 पोस्ट होते हैं उसमें, वो जल्दी ही आपको देखने को मिलेंगी। लगभग 1100 के आसपास पोस्ट उसमें आने वाली हैं।
तो केवल महिलाओं के लिए होती है, वो ध्यान रखेंगे इस चीज़ का, ठीक है। बाकी जैसे ऑफिशियल इसका आएगा नोटिफिकेशन तो मैं आपको सूचित कर लूँगा। तो दोस्तों देखिए, फॉरेस्ट गार्ड के लिए मेहनत कीजिए, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, एग्ज़ाम हो सकता है आगामी 2-3 माह में, और इसमें काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज भी हैं, 1218 लोगों को रोज़गार मिलेगा। तो आप लगा सकते हैं कितनी बड़ी भर्ती है उत्तराखंड के लिहाज से, जहाँ पर केवल इक्का दुक्का 10-15-20 वैकेंसी आती है साल में। तो मेहनत कीजिएगा सभी लोग जिनने फॉरेस्ट गार्ड का फॉर्म भरा है, ठीक है। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और देखिए, कोई भी इनोवेटिव या आपके पास टॉप लेवल का अगर स्टार्टअप आइडिया है तो उसको भी जरूर इस वेबसाइट पे जाके शेयर करें, हो सकता है आपको पुरस्कृत किया जाए और आपका आइडिया सर्वश्रेष्ठ हो, आपके आइडिया से हो सकता है पहाड़ की ज़िंदगी बदल सकती है। तो बिल्कुल भी ऐसे जो काम होते हैं ना उनमें भाग लें बढ़ चढ़ कर, ठीक है। और साथ ही बोलना चाहूँगा, आज 5 सितंबर है, आप सभी लोगों को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। So thank you for watching. Please do like and share.